ये लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे ग्रुप के माध्यम से, और ये लोग 1:5 के काम उससे प्रॉफिट के काम करते थे। यानी कि अगर 1,00,000 रुपए फेक करेंसी है तो उसको ये लोग 20,000 में बेचते थे, और जैसे जैसे ये लोग पार्टी जैसे ये लोग हैंड्स जैसे जैसे चेंज होते रहते थे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहता था। तो इस तरीके से जैसे पहले व्यक्ति ने अगर मान लीजिए इसको 20,000 में खरीदा, तो फिर इसको जो सेकंड व्यक्ति होगा उसको और ज़्यादा दाम में बेचता था। इस तरीके से ये लोग काम करते थे। और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, आगे की चेन हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें चल रही हैं। लेने वाले व्यापारी होते थे या आम जनता? वाटर मार्ट में कोई स्पेशल बंदा था इनके लिए जो इस तरीके की चीजें बताता था कि नहीं आप इसको करेंगे तो एग्जैक्ट असली नोट की तरह दिखेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने प्रोसेस में कुछ रिफाइनमेंट्स किए, जो इनके पास जो इंक थी उनमें कुछ इन्होंने मॉडिफिकेशन किए, और ये सील थी ये इन्होंने विकसित किया, वो काफी हद तक जो ओरिजिनल नोट्स होते हैं उनके वाटर मार्क से रिजल्ट है। आपने बताया किसी वेब सीरीज से इंस्पायर है? ये फर्जी वेब सीरीज अभी आई थी, जैसा की इनको पता चला इससे काफी ज्यादा ये लोग इंस्पायर हुए। पहले भी ये लोग काम, बट जो क्वालिटी जैसा मैंने बताया काम के लोग पहले से भी करते थे, लेकिन जो क्वालिटी जो नोट्स की होती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इम्प्रूव किया। पहले इन लोगों को मार्केट में चलाने में काफ़ी समस्या होती थी, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब क्वालिटी इम्प्रूव की तो इन लोगों का सर्कुलेशन भी मार्केट में बढ़ा। सर रॉ मटेरियल पहले भी मतलब ये भारी पैमाने पर ये लोग नोट्स को का सर्कुलेशन ये लोग मार्केट में ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम लोग जैसा मैंने बताया कि इनिशियल फेज है इसमें क्योंकि इनके एजेंट्स कई सारे शहरों में हम लोग को जो इनपुट मिला है, अभी डाइवर्ज करना ठीक नहीं है, बट कई शहरों में इनके एजेंट्स हैं, इनके ऑपरेटिव्स हैं जो काम करते हैं, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि इनके और ऑपरेटिव्स के ऊपर कार्रवाई करें। सर रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं इसके विषय में कुछ जानकारी? जो नोट बना रहे थे और असली में क्या पहचान का फर्क रह गया? देखिए एक तो टेक्सचर का फर्क होता है, जो असली नोट होते हैं वो उसका जो कागज़ होता है वो अलग होता है, वो कागज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, ये बॉन्ड पेपर से ये लोग साइन करते थे। तो अगर आप वही मैंने कहा कि प्रथम दृष्टिया आपको नहीं पहचान में आएगा, जब आप उसको थोड़ी देर हाथ में लीजिएगा और डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास कीजिएगा तब आपको इसका पता चलेगा। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो असली नोट में होते हैं, ये लोग अभी वो सिक्योरिटी फीचर नहीं प्रोवाइड उसमें इनके नोट्स में वो सिक्योरिटी फीचर्स नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि नेकेड आई से देखिए सिक्योरिटी फीचर्स बहुत सारे, लेकिन नेकेड आई से जो देखने पर बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो मुख्य कार्यालय कहाँ लखनऊ या कहीं और? नहीं कार्यालय ऐसा नहीं था, ये लोग घर से काम करते थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्केल पर कोई इनकी फैक्ट्री नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मतलब इन्हें केवल प्रिंटिंग पेपर मशीन कागज और बाकी सारी चीज़ें इनके पास थी, तो ये घर में बैठे बैठे ये लोग लाखों रुपए डेली प्रिंट कर सकते थे, इसके लिए इनको कोई बहुत इलैबोरेट सेटअप की आवश्यकता नहीं थी। सर रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं इसके विषय में जानकारी? इसके बारे में अभी एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना मुश्किल है, लेकिन इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है और जिस स्केल पर ये लोग काम करते हैं अमाउंट जो है वो काफी बड़ा है। इसमें क्या व्यापारी भी सम्मिलित हैं, क्योंकि ये पैसा बनाना और व्यापारी तक पहुंचाना फिर मार्केट में आना? जैसा मैंने बताया है कि ये लोग कैसे करते हैं, अभी एग्जैक्टली जो हम लोग जिस व्यक्ति तक पहुंचे हैं इसने कुछ लोगों के नाम डाइवर्ज किए, हम लोग उस तक पहुंचेंगे। हो सकता है इसमें कुछ हवाला ऑपरेटिव भी इन्वॉल्व हो, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता इसको। जैसा मैंने बताया कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगी और लोगों के नाम प्रकाश में आएंगे और चीज़ें अपने जो प्रोसेस में इसको रिफाइन किया, पहले जो ये नोट बनाते थे और आज जो ये नोट बनाते हैं इसमें काफी फर्क है। तो इसमें कोई ऐसी प्रतिबंधित चीज़ नहीं थी, ये जो भी चीज़ है वो मार्केट्स में अवेलेबल है और मार्केट
इन्होंने बस जो टेक्निक्स है वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से वो टेक्निक्स सभी गैंग मेंबर्स कितने समय से इस नोट की गिरोह को चला रहे थे? ये लगभग 3 से 4 साल इसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, कुछ लोग सालों से ये काम कर रहे हैं। इसमें जो विकास भारद्वाज है ये पहले भी एक बार तिहाड़ जेल जा चुका है, ये इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। विकास दुबे की भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, पहले भी जेल जा चुका है। उसमें आप बाकी लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी लोग इसमें किसी न किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थे। ये कितने समय से काम कर रहे हैं, 3 से 4 साल कह सकते हैं जब से ये लोग एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 साल में सर कितना पैसा सर्कुलेट किया? जैसा मैंने कहा कि अभी किसी फिगर पे पहुंच पाना मुश्किल है। जैसा जो इनिशियल पूछताछ से जो बात प्रकाश में आई वो ये कि जो 3 लाख रुपए जो इनके पास से बरामद हुए, 3 लाख क्या इनके संपत्तियों की जांच होगी? 3,20,000 जो इनके पास से जो बरामद हुए वो इनका ये कहना था कि इनको 3 से 4 लाख अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बेस पर और किस स्केल पर काम कर रहे हैं। कितना बड़ा गैंग है सर? अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। अभी हम लोग इनिशियल रिमांड फेज में है, अभी इन्वेस्टिगेशन फेज में है। कितना बड़ा सर कहेंगे? अभी तो 5 लोग मिले, अभी तो 5 लोग हैं। इसमें निश्चित तौर पर इसमें आगे कुछ और लोग भी इसमें 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 जुड़ेंगे। हम लोगों को कुछ वाइटल डिटेल्स इनके बारे में मिली है जो और लोग इनके ग्रुप के हैं, अभी वो डिटेल्स डाइवर्ज करना ठीक नहीं है। इनके विरुद्ध उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। इतने हाई स्केल में सर कारोबार ये लोग कर रहे थे, कोई बड़ी पहुंच जरूर रही होगी ना? कहने कोई लीड कोई और? जैसा मैंने बताया इन सभी के मोबाइल हम लोगों ने अपने कब्जे में लिए हैं और उनसे कुछ कुछ हम लोगों को जरूर वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके आधार पर हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन। मटेरियल कहाँ से लाते हैं जिसके विषय में जानकारी? ये नॉर्मल जो बॉन्ड पेपर जो होते हैं ये यूजली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये जो इस बॉन्ड पेपर पे होता है। विकास भरद्वाज के अलावा कोई अपराधी इतिहास है? विकास दुबे पहले एक बार जेल जा चुका है, नकली नोट पे नहीं गया। ये लोग कभी भी यही मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी नकली नोट के संबंध में लोग नहीं पकड़े गए क्योंकि सिक्रेटिव ऑपरेशन होता था एकदम। ये पहले 60 साल के जेल गया था। जगह पता दो लोगों के बारे में पता चला, अन्य लोगों के बारे में प्रयास बढ़िया। कोई ऑफिस है क्या सर? नहीं, ऑफिस है का घर से ही काम कर।